बहादुरगढ़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों ने 3 फरवरी के दिन आसोदा रेलवे स्टेशन के पास एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से लूट की थी और बाद में वहां से फरार हो गए थे। हत्या के पीछे की वजह नशे की लत को पूरा करना था। दरअसल आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए बुजुर्ग महिला को लूटना चाहते थे, लेकिन पहचाने जाने के डर से उन्होंने महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों की पहचान आसोदा गांव के निवासी सुमित और विकास के रूप में हुई है। एएसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि रोहतक के मकरोड़ी गांव निवासी 70 वर्षीय महिला मूर्ति देवी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 3 फरवरी को आसोदा गांव आई थी, लेकिन साथ में दो छोटी बच्ची और सामान ज्यादा होने के कारण उनका भतीजा पहले बच्चों को छोड़ने मोटरसाइकिल से घर की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन जब उसने वापस आकर देखा तो मूर्ति देवी वहां से गायब थी। ग्रामीणों ने काफी तलाश की, कई घंटों बाद मूर्ति देवी का शव आसोदा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर बने एक कोठड़े में लहूलुहान और नग्न अवस्था में मिला था। वारदात के बाद दोनों आरोपियों को गांव की तरफ जाते हुए किसी ग्रामीण ने देखा था, जिसके बाद उनसे पूछताछ के लिए पुलिस घर पहुंची तो आरोपी फरार मिले। दिनांक 3/2/2022 को सौदा रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी डेयरी है, जहाँ पे एक वृद्ध महिला की कत्ल की गई लाश मिली थी। उनका नाम मूर्ति देवी, करीब 70 वर्ष की आयु थी, रहने वाली वो असौदा सिवान की थी और उनकी शादी मकुड़ाला कलां गांव में हुई थी। उस दिन करीब 5:30 बजे वह असौदा रेलवे स्टेशन पर आई एक अपने पारिवारिक शादी में भाग लेने के लिए, और उनके ही साथ में कुछ दो बच्चे थे जो उनके परिवार से संबंध रखते थे। उनको लेने के लिए गोविंद नाम का उनके असौदा गांव से उनका परिवार का एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल पर, जहाँ पर यह बात हुई कि तुम इन दो बच्चों को साथ में बैठा के गांव छोड़ो, मैं अपना सामान लेकर आधे रास्ते पहुँचती हूँ, तो तुम छोड़ के आ जाओगे, तुम आधा रास्ता तय कर लूँगे और वहाँ से तुम बैठा के मेरे को ले आना। तो ऐसा ही किया और गोविंद ने फिर ITI तक पहुँचा था। ITI उस जगह से करीब 700-800 मीटर आगे है, वहाँ पे अंकित को कहा कि तुम उन दादी को लेकर आ जाओ क्योंकि वह अकेली है और उनके पास सामान काफ़ी है और रास्ता भी सुनसान है। तो अंकित ने अपनी ऑल्टो गाड़ी लेकर उस रास्ते पर गया और वहाँ पर उसने ढूंढा, तो ढूंढने पर उनको वह महिला नहीं मिली। तो ढूंढते वह वापस भी आता है और आते समय ITI ग्राउंड के पास में दो व्यक्ति को देखता है। उन दो व्यक्तियों का नाम है विकास उर्फ टाउगर, पुत्र धर्मवीर, निवासी आसोदा टोडराम, और दूसरे व्यक्ति का नाम है सुमित उर्फ पौड़ा, पुत्र करमवीर, निवासी आसोदा टोडराम। इनसे यह पूछता है कि क्या आपने किसी वृद्ध महिला को आते जाते इस रास्ते पर देखा, तो उन्होंने मना कर दिया और वो आगे बढ़ गए। तो इस चीज़ को मानते हुए अंकित फिर ढूंढने निकला और एक दो बार तलाशने के बाद उसने हार मानी और अपने आसोदा गाँव में वापस लौटा, जहाँ पर ये चेक करने के लौटा कि क्या हो सकता है महिला खुद ही अकेले पहुँच गई हो। तो वहाँ पर भी उसको ना पाते हुए लोगों को आशंका जताई गई और उन्होंने अपने गांव वालों ने एक टीम का गठन किया 40-50 लोगों का और इस चीज़ को सर्च करने का प्रयास पूरा किया गया।